हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज आप लोग देख सकते हैं भाई, ये हमारे सामने बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन, एंड ये बिल्कुल नई वाली बुलेट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं इसका करने वाला हूँ एक वाइब्रेशन टेस्ट। मेरे पास एक छोटा सा ग्लास है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी हुआ है ताकि पता लग सके कि भाई पानी हिलता है, बाहर गिरता है या ग्लास गिरता है, क्या होता है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड ऐसा कहता है इस बाइक के अंदर आप लोगों को जीरो वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो ये जो बाइक है आप लोगों को जीरो वाइब्रेशन के साथ मिलती है। तो आज हम लोग वही टेस्ट करने वाले हैं भाई, नई वाली बुलेट 350 क्या अपने टेस्ट में पास होती है या फेल होती है। दोस्तों मैंने इसको रखा है ग्लास दोनों लाइंस के बीच में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको रखा हुआ है। एंड अगर ये ग्लास मूव हुआ या पानी गिरा तो ये फेल हो जाएगी, और अगर ये सही रहा तो ये पास हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बाइक को। बाइक स्टार्ट हो चुकी है एंड पानी जो है थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है अंदर, ठीक है, लेकिन पानी ना बाहर आ रहा है और ना ग्लास जरा सा भी मूव कर रहा है। थोड़ा सा और रेव करते हैं बाइक को। अच्छी खासी रेव मैं दे रहा हूं बाइक को, लेकिन पानी जो है वो नहीं गिर रहा है बिल्कुल भी। मैं रेव कर रहा हूं बाइक को, ठीक है। सो ये टेस्ट में अपने पास हुई है। स्टार्ट करते हैं बाइक को। भाई रॉयल एनफील्ड ऐसे कहता है कि इसके अंदर जीरो वाइब्रेशन है। बुलेट मैंने स्टार्ट कर दी है, आप लोग देख सकते हैं पानी जो है थोड़ा सा अंदर वाइब्रेट कर रहा है अभी, लेकिन ग्लास अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा रेव करते हैं बाइक को। तो गाइस मैं बिल्कुल रेव कर रहा हूँ बाइक को, एंड ये आप लोग देख सकते हैं वाइब्रेट जरूर कर रहा है पानी, लेकिन पानी ना गिर रहा है बाहर ना ग्लास मूव कर रहा है। सो अभी तक तो ये भाई टेस्ट में बिल्कुल पास रही है मेरी बाइक। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, आगे को रखते हैं, फ्रंट सीट पर रख दिया मैंने अब इसको। देख सकते हो आप लोग, मैंने भी इन दोनों लाइंस के बीच में रखा, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ठीक है। अभी तक ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है।